हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इस विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जास्ट फिफ्टीन हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो आज फाइनली हमारा होने जा रहा हो है थर्टीथ डे मतलब तीस दिन कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड मैं आशा करता हूँ इस आगे भी आप लोगों को बहुत ऑसम एंड बहुत सारी चीजें सीखने जरूर मिलेगी सबसे पहले तो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक वर्ल्ड बेड जास्ट कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा तो बहुत मेहनत करके बनाइए आपको इससे बेटर कहीं और नहीं मिलने वाला है सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और अर कैश तो आप देख सकते हो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो होने जा रहा है अगेन जो हमने कल के दिन टैकल किया था बट टूडे वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग रिकर्सन एंड मैंने ऑलरेडी आई गेस हमारा जो uh, कहीं तो भी देखो फिवन यूजिंग रिकर्सन फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन ऑलरेडी मैंने आपको रिकर्सन के थ्रू बताया है कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो सो गैस इनको भी जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिकर्सन का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन की है तो ये फैक्टोरियल वाले वीडियो को आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है ऑल राइट सो देख लीजिएगा इस आज का क्वेश्चन क्या है वी नीड टू राइट रिकर्सिव फंक्शन कॉल नंबर रेंज रिकर्सिव डेट जनरेट एन एरे कंटेनिंग कन्जीक्यूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूसिव जो हमने कल के दिन टैकल किया था सेम वही है बट आज हमें यूजिंग रिकर्सन करना है सो ए इज द इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग नंबर पॉइंट ऑफ द रेंज एंड बी इज अगेन एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द एंडिंग नंबर ऑफ द रेंज एंड देन ए आर आर एंड ऑप्शनल पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द एरे टू स्टोर द नंबर्स इन द रेंज डिफॉल्ट टू एन एम टी आर एके ठीक है ना आउटपुट में हमें क्या चाहिए एन एरे कंटेनिंग कन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी शुड बी इंक्लूजिव हा कॉन्स्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ए एंड बी विल बी इंटीजर ए विल बी लेस देन और इक्वल टू बी ठीक है तो कंडीशन हमें पता चल ही रहे <laughs> है ना सो हेरी वी हैव द फंक्शन एंड देन हम uh, हम बेसिकली दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं दैट इज योर ए एंड एन बी सो कल जो था ये सेम वही प्रॉब्लम है सो गाइस नाउ इट्स एन असम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्राई योर जास के नॉलेज एंड कितना आपको आता है वो अब आप जस्ट वीडियो को अभी की अभी कीजिए पॉज एंड ट्राई इट योर सेल्फ गाइस तो मैं ऐसा करता हूं आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा यू you नो know, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कल टैकल किया था बट आज आपको रिकर्सन करना है मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो उस फंक्शन को खुद कॉल करता जाए वे इन ए फंक्शन कॉल इट सेल्फ अगेन एंड अगेन इट्स यूर रिकर्सन बट हाँ एक बेस केस का भी होना जरूरी है सो डैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ ये जो फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन है ये हमारा कौन सा डेट ट्वेंटी फिफ्थ डे इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है आपको मजा आ जाएगा ऑल राइट right, तो देख लीजिए सो लेट्स क्रिएट आई मीन लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन इस तरीके से है ना सो so, uh, यहाँ पर मैं चलता हूँ इसको इस तरीके से रन कर देता हूँ ऑल राइट ये पेज ट्रांजेसन इवेंट कहाँ से आ गया इसको हटाओ सो बेसिकली है वी हैव टू आर्ग्यूमेंट्स तो मैं ए कॉमा बी मैंने दो पैरामीटर एक्सेप्ट किए बट मैं यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर लिख रहा हूं इस तरीके से खुद से एंड मैंने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी डेट इज एन एम टी एर ठीक है अब ये इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो एक सिंपल कंडीशन ये है कि मुझे जीरो से लेके फाइव के बीच क्योंकि पहला वाले का तो यही है ना दो आर्ग्यूमेंट जीरो से लेके पांच के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको दिखाने है, उनको बेसिकली मुझे डिस्प्ले कराना है एंड जो भी टोटल मेरा एलिमेंट्स या वैल्यू रहेगा उनको मुझे एरे में स्टोर करना है अब कल की वीडियो तो मैंने वाइट लूप चला के दिखा दिया बट आज तो मुझे रिकर्सन करना है मतलब वो जो अपने आप जो चलना चाहिए वो मुझे अब रिकर्सन के थ्रू करना है ना सो व्हाट आई कैन डू इस कंडीशन देता हूँ बेस केस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एल्सो आपका इन्फिनेट लूप में चला जाता है सो दिस इज माय बेस केस कि द मोमेंट ये कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब ख़त्म वहाँ से फिर रिटर्न रिटर्न हमें आउटपुट आता जाएगा तो हमारा कंडीशन यही है कि जब तक मेरा जो ए की वैल्यू है बी के बराबर या उससे छोटा नहीं रहता तब तक मुझे इस कंडीशन को चलाना है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना खाली मुझे एरे में, में मेरा डेटा को पोस्ट करना है सिंपल ये हमने कल कर लिया था इसलिए मैं डायरेक्टली अभी लिख दे रहा हूँ लेकिन कल के वीडियो में तो हम मोबाइल लूप यूज़ कर रहे थे जिसके चलते अगर मैं ए प्लस प्लस भी लिख देता हूँ तो क्या हो रहा था ये जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता या फॉल्स नहीं होता ये चलते जा रहा था बट आज के दिन मैं अगर ए प्लस प्लस लिख के छोड़ दूं तो ये कुछ होगा ही नहीं क्यों क्योंकि ये फंक्शन एक बार चलेगा अरे क्या ए छोटा है बी से तो पुश कर दो एक बार मैं दिखाता हूँ एंड uh, आपको एज इट इज लिख के काम नहीं होगा यू नीड टू रिटर्न समथिंग यू नो सो रिटर्न ए आ रहा ठीक है अगर ये करता हूँ मैं एंड देन इसको अगर मैं रन करके दिखाता हूँ सो जीरो थ्री एंड देन माइनस टू डू यू नो द रीजन वाई आई एम गेटिंग ओनली जीरो थ्री एंड देन माइनस टू क्योंकि सबसे पहला कंडीशन ही जीरो था सो so, जीरो जो है ये कंडीशन पूज हो गया इंक्रीमेंट से लेना देना नहीं क्योंकि कहीं ये यूज हो, होगा नहीं एंड डायरेक्टली हमने रिटर्न कर दी डेट्स वाई जीरो थ्री के केस में भी ए की वैल्यू थ्री थी बी की वैल्यू सेवन क्या थ्री जो है सेवन से छोटा या बड़ा है ऑब्वियसली छोटा है इसकी बात हो रही है सेकेंड वाले की है ना तो ए आर आर डॉट पूस्ट उसमें मैंने थ्री को क्या कर दी पुश कर दी एंड इंक्रीमेंट करके कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है डायरेक्टली मैंने रिटर्न कर दिया तो उस तरीके से थ्री एंड माइनस टू के केस में सेम माइनस टू लेकिन मुझे तो जीरो फिर वन फिर टू एंड देन जब तक ये लास्ट वाली वैल्यू आनी जाती तब तक मुझे उसको प्रिंट कराना है तो कहीं ना कहीं तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा एंड हम लूप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें बोला गया है यू नीड टू यूज रिकर्सन तो अब हम क्या करेंगे यहां पे एक चीज़ मैं कर सकता हूं रिटर्न मैं फिर से ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसको आ, ये आई I मीन mean, मेरा ये जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मैनुअली ए प्लस प्लस मैं क्या कर दूंगा डायरेक्टली यहां पे ए प्लस वन तो मतलब जब मैं सेकेंड टाइम ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा होगा ए की वैल्यू को मैं एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बी विल बी एज इट इज़ एंड ए आर आर को मैं एज इट इज़ पास कर रहा हूँ तो अब क्या होगा ना पहली बार तो चलो थ्री मुझे मिल आई I मीन mean चलो इसकी हम बात कर लेते हैं हम इस वाले की बात करते हैं फर्स्ट वाले की ठीक है पहला का हमारा स्टेप क्या होगा सबसे पहले ज़ीरो सो जीरो गया है ए में बी में क्या है फाइव फाइव गया है ए आर आर हमारा एम टी है सो इट्स योर जीरो इट्स यू फाइव ठीक है क्या ये जो जीरो है फाइव से छोटा है या उसके बराबर है छोटा है तो क्या हुआ ए आर आर डॉट पुस तो हमारा जो एम टी आरिया था उसमें जीरो पुस हो गया ठीक है एंड द मोमेंट ए कंडीशन हुआ यू नो एंड जीरो पुस हो गया उसके बाद हम वापस क्या कर रहे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वापस से फंक्शन कॉल हो रहा है एंड दिस टाइम हमने क्या कर दी ए प्लस वन सो पहले जीरो जो था अब वो प्लस वन करने पे कितना हो गया वो ए की वैल्यू अब वन हो गई सो इट्स नाउ वन क्या वन जो है फाइव से छोटा या बड़ा है ऑब्वियसली छोटा है सो so, कॉमा हम क्या करें पुश कर दे रहे उस वैल्यू को ए की वैल्यू को मैंने वन आ गया सो नाउ इट्स अ जीरो कॉमा वन ऑल राइट थोड़ा सा ऑर्जुम कर देता तो आप लोगों के लिए ठीक है अब उसके बाद जो अब फिर से जैसे ही वन हुआ फिर से रिटर्न करके मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ द मोमेंट मैंने फंक्शन को कॉल की ए की वैल्यू तो अब मेरी वन थी ना सो इट्स अ वन प्लस वन विल बी टू सो दिस टाइम इट विल बी टू क्या टू है इस तो तरीके से ये टू चलेगा फिर थ्री चलेगा फिर फोर चलेगा ठीक है अब हम देख लेते अगर जब फोर हुआ सो ए प्लस आई मीन फोर प्लस विल बी सो इट्स अ एंड फाइव वाले ही फाइव से छोटा नहीं है बट बोथ आर इक्वल राइट इक्वल टू साइन तो है तो ये जो है फिर पूछ हो गया तो फाइव यहां पे आया नाउ जब फाइव इधर आया तो दिस टाइम फाइव प्लस वन विल बी सिक्स तो अब ये वाला जो हमारा बेस कंडीशन है यहां पे वो फॉल्स हो गया क्योंकि सिक्स जो है वो तो फाइव से ना ही छोटा है ना ही फाइव के बराबर है वो तो फाइव से बड़ा है तो ये वाला जो ए आर आर डॉट पूछता वो नहीं होगा नहीं ये वाला फंक्शन चलेगा क्योंकि कंडीशन मेट नहीं हुआ तो ये मेरा इफ लूप फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है तब जाके रिटर्न ए आर आर तो इस केस में ये एक ऐसा रिकर्सिव केस है जहाँ पे हम कोई डेटा रिटर्न नहीं करा रहे हम द मोमेंट रिकर्सिव करते जा रहे थे मेरा आउटपुट बनते जा रहा था एंड फाइनली मेरा ए आर आर तो देखिए ना जो मुझे चाहिए मिल गया जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव राइट सो इस तरीके से गाइस हमारा ये रिकर्सन काम कर रहा है थोड़ा सा हटके रिकर्सन था ये बट यस yes, या आई I मीन mean, या इट्स अ रिकर्सन ओनली सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मैंने पूरी कोशिश की आपको जितना मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता था एक्सप्लेन कर दू है ना बट uh, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि गाइस मेरा जो जास्किब का कोर्स है प्लीज इसको चेकआउट कीजिए बहुत मेहनत करके मैंने बनाई ये मैं लिख के देता हूँ भाई इससे बेटर आपको कहीं मिल जाए ना मेरे को बताओ मैं देखता हूँ फिर ठीक है बट जो भी हो ये ट्वेंटी फिफ्थ एंड देन ट्वेंटी सिक्सथ वाली इन दोनों वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा चैलेंजेस क्योंकि ये भी रिकर्सन के ऊपर ही है मैंने बेस केस रिकर्सिव केस सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए बस आप एक बार देखिए तो सही आपको पता चलेगा कितना वैल्यू है ये ठीक है सो so, या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आपने इसको कुछ अगर डिफरेंट तरीके से की होगी सो लेट वी नो इन दी कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर